हलवा खाने के लिए आ जाओ। एंड ये मैं हूँ, जादू लग रहा हूँ ना, जादू। सो हे पब्लिक, बॉस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं गाजलडोबा, जो कि यहाँ से लगभग 53 किलोमीटर है। सो अभी हम सुबह आज 5 बजे उठ के जल्दी उठ गए थे, बिकॉज हमें पैकिंग वगैरह करना था। सो हमने हमारा दोनों बैग है एंड चार्जर सब कुछ हमने ले लिया है एंड साइकिल सब कुछ रेडी है। तो अभी दोस्तों का वेट कर रहे हैं, उसके बाद में नाश्ता करके सो निकलेंगे। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, जो कि आप देख सकते हो, एंड अभी बारिश हो रही है तो निकलेंगे 7 बजे कुछ खा के। सो मिलते हैं आगे एंड देखते रहो, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है। सो मिलते हैं आगे। खाने के लिए अंडा एंड बनाना, और आगे मार्केट से कुछ लेंगे खाने के लिए। सो राजीव, कैसा लग रहा है? चार्जिंग लगा रखा है। हम अभी रेडी है, रेनकोट पहन। सो मीट माय फ्रेंड मनोराज, लेट हो चुके हैं, 7 बजे का प्लान था, अभी 8 बज रहे हैं। सो अभी हम निकलते हैं जल्दी जल्दी एंड मिलते हैं आगे। सो अभी हम निकल चुके हैं एंड देख सकते हो पूरा कवरिंग एंड पीछे दो लोग एंड ये मैं हूँ, जादू लग रहा हूँ ना, जादू। सो चलो चलते हैं एंड आगे मिलते हैं। तो सब आ चुके हैं, अभी साइकिल का जो रिपेयरिंग था वो हमने करवा लिया है, तो अभी चलते हैं। सो देखो एंड एंजॉय करो। सो हमारा दोस्त था जो ये है, देख सकते हो, एंड सब पब्लिक इधर है। सो अभी चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, ये हॉस्पिटल है जो कि बोलते हैं दोस्ताला, जो कि इसमें 10 फ्लोर है टोटल, इसको इसलिए दोस्ताला बोलते हैं। एंड तो ट्रेन का वेट, ट्रैफिक। तो भाई देख सकते थे आप, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, हम पीछे रह गए बिकॉज हम ट्रैफिक में फंस गए थे। सो एंड चलो, रेनकोट पहना था तो अभी वो उतार दिया बिकॉज बारिश रुक गया था, तो अभी सब मतलब रेनकोट उतार दिया, टी शर्ट में आप सब आ गए। सो अभी राजीव का सेटअप जो है वो है रेडी हो चुका है एंड मेरा भी रेडी होगा अभी। सो चलो आगे मिलते हैं। हम लोग आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया, मेरा जो सेटअप था वो रेडी नहीं था बिल्कुल भी। सो सब कुछ रेडी है। सो
राजीव कैसा लग रहा है? मेरे को तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है जो मौसम व्यू जो मौसम है सो आप देख सकते हो। मेरी जो बुलबुल है ना गाइस इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा माइंड दे रही है। सो जो बंदे लोग हैं वो इतना ज़्यादा पीछे है ना, सो वेट करते हैं उनका एंड फिर साथ में चलते हैं। देख पा रहा हूँ इधर राजीव है और सौरभ दाए और पीछे देवराज है और पीछे राजू और मैं कैमरामैन वनराज हूँ और तो हम दोनों नहीं हम अकेला खुद। अरे कहना क्या चाहते हो? कैमरा कर रहे इस सबको। सामने चारे और पीछे एक चुतिया है। समझ रहे हो आप? मतलब मैं हूँ। जल्दी में ऐसे होता है। ऐसा कुछ लोकेशन है एंड फ्रेंड लोग एंड मैं भी जाता हूँ सामने अभी और ये मैं हूँ। तो कैसे लग रहा है आप सभी को? तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से, पानी पी लिया हम सभी ने अभी यहाँ से, मतलब पता नहीं कितना किलोमीटर है। सो चलो 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 हलवा खाने के लिए आ जाओ, हलवा खाने के लिए आ जाओ। ओके गर्मी की वजह से हमने सभी ने सनग्लासेस पहन लिया है बिकॉज गर्मी इतना नहीं है बट फिर भी पहनना पड़ा हमें। एंड यहाँ से अभी पता नहीं कितना किलोमीटर है तो चलो साइकिल चेंज, मैं अपनी बुलबुल पे फिर से एंड मोनो। काफ़ी टाइम बाद में हमको कुछ खाने को मिला जो गन्ने का जूस है। सब लोग साइकिल यहाँ पे खड़ा दिया है, पीते हैं और चलते हैं यहाँ पे। राजीव कैसा लग रहा है? पियो लेने के बाद पता चलेगा कैसा लग रहा है। पियो उधर सबने ले लिया है, हमारी बारी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठंडा नहीं है ना, ठंडा नहीं है मगर इसमें खाने में ताकत मिलेगा। तो रस पी लिया हमने गन्ने का एंड अभी थोड़ा फेस वॉश करते हैं। ये लोग देखो अकेले अकेले यहाँ पे आके पानी पी रहे हैं। तो गाइस सभी सब कुछ हो चुका है, फ्रेश पानी बनी सब कुछ पी लिया है एंड बहुत ज़्यादा धूप है
तो अभी यहाँ से चलते हैं लोकेशन पे। यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर है पता नहीं, समय अभी यहाँ से बता रहे हैं कि 5 या 6 किलोमीटर है, बट पता नहीं कितना है, जितना भी है। तो चलो चलते हैं आगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं काजलडोबा ब्रिज, जो कि यहाँ का व्यू देख सकते हो। बहुत ज़्यादा मस्त, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज अभी आपको नहीं दिखाएंगे तो तब तक आप ये देखो, एंड आगे का जो व्यू होगा आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो सुना थोड़ा उतार लेता हूँ, अभी भी गिरता मैं। सो सब बिजी है, मतलब फोटो लेने में वो ट्राइपॉड एंड मोनो भी पूरा बिजी है। एंड देख सकते हो वो ब्रिज है, ये देखने के लिए हम इतने दूर से आए हैं, मतलब 48 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एंड देख सकते हो ये वो ब्रिज है। सो मैं यहाँ आया हूँ फर्स्ट टाइम साइकिल से 48 किलोमीटर राइड करके, बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आया हूँ तो नज़ारा है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। फोटो वगैरह सब कुछ क्लिक हो चुका है एंड अभी खाने के लिए कुछ लेंगे, तो इधर एक फोटो ले, अभी अंदर जाएंगे, अंदर क्या कुछ है सब कुछ दिखाएंगे। सो खाने के लिए सब कुछ ले लिया हमने, अभी चलते हैं। सो चलो।